अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप ग्रीन स्क्रीन्स का यूज़ करते हुए एक अच्छी सी वीडियो प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब एक जगह पे आपका लैपटॉप पड़ा है और उसके अंदर आपकी वीडियो चल रही है, या कोई भी आप कस्टम वीडियो ऐड करना चाहें तो किस तरह से ऐड करेंगे। तो चलें चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं किस तरह से ये सारा काम आप करेंगे। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखें, आप लिखेंगे क्रोमा की मॉकअप्स, तो आपके पास डिफरेंट तरह के यहाँ पे मॉकअप्स आ जाएंगे। और देखें, यहाँ पे मुझे एक मॉकअप मिला है, मैं इसको क्या कर लेता हूँ, सिंपल सेव कर लेता हूँ। इसको मैंने सेव कर लिया। सेव करने के बाद मैं चलता हूँ यहाँ पे अपनी एडिटर ऐप के अंदर, और यहाँ पे उस जो पिक्चर जो मैंने सेव की थी उसको मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। राइट, ये यहाँ पे मेरे पास इंपोर्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे इस टाइमलाइन के ऊपर मैं अपनी कोई वीडियो ऐड करता हूँ। यहाँ पे देखें, इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ओके, अब सेकंड लेयर के ऊपर मुझे क्या करना है, इस वाली इमेज को, जो ग्रीन स्क्रीन वाली इमेज है, हमेशा उसको आपने सेकंड लेयर के ऊपर ऐड करना है। तो मैं इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद इसको मैं ज़रा क्लिक करने के बाद इसको मैं फिल के ऊपर क्लिक करूँगा। सॉरी, फिल पे अच्छा नहीं लग रहा वो, तो मैं इसको जो भी है इसको सेट कर लूँगा, जैसे भी करना चाहूँ कुछ इस तरह से। लेट्स से मतलब अभी हमारी डायमेंशन ये है, चले हम ज़रा इसकी डायमेंशन चेंज कर लेते हैं सबसे पहले। तो मैं इसको इस तरह के डायमेंशन में ले आता हूँ, राइट। और उसके बाद यहाँ पे मैं अपना जो है इमेज ग्रीन स्क्रीन वाला वो ऐड कर दूंगा। अब इसको मैं होल वीडियो के अंदर ऐड कर दूंगा कुछ इस तरह से, इसको स्ट्रेच कर दूंगा अपनी होल वीडियो के लिए। अभी के लिए मैं आपको इतना ही दिखा रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, इस सेकंड लेयर जो ग्रीन स्क्रीन वाली लेयर है इस पर मैंने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा क्रोमा का, इस पर मैं क्लिक करूंगा और इसको ग्रीन स्क्रीन, इस मार्क को ग्रीन स्क्रीन जहाँ पे ग्रीन जगह है उस पर थोड़ा सा ड्रैग करूंगा। ड्रैग करने के बाद देखें, यहाँ पे मेरी वीडियो आ चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, इस वाली वीडियो पे क्लिक करूंगा और इसको एडजस्ट कर लूंगा कि मुझे कितनी इसके ऊपर दिखानी है ये। अब ये वीडियो थोड़ी सी अजीब थी, चले मैं इस वीडियो को ज़रा चेंज कर देता हूँ। लेट्स से मैं ये वाली वीडियो, क्योंकि डायमेंशंस दोनों की वर्टिकल थी, तो मैं वो वर्टिकल वाले डायमेंशंस यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यूज़ कर लेता हूँ। और इसको मैं उठा के इधर ले आया और इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और ये मेरे पास स्क्रीन थी। अब यहाँ पे देखें, इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ ज़रा। मुझे ये सेकंड वाली जो लेयर है इसको मुझे एडजस्ट करना है, इस वाली को उसके अंदर फिटिंग करना है। तो इसमें मैंने डबल क्लिक किया, इसके जो ये हैं बेजल्स वो शो हो गए और मैंने इसको यहाँ पे कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लूँगा। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से रोटेट करके और एडजस्ट कर लूँगा इसको। ओके, अभी देखें यहाँ पे अगर मैं इसको प्ले करूँ तो उस लैपटॉप के अंदर जो है मेरी जो वीडियो है एक्चुअल वो चल रही है। यहाँ पे देखें कुछ इस तरह से। तो क्योंकि यहाँ पे जो वीडियोस थी मैंने रैंडम सी उठाई हुई थी और उन पे ज़्यादा डायमेंशन थोड़ी सी डिफरेंट थी, तो आप क्या कर सकते हैं, सही डायमेंशन वाली इमेजेस को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ थी, जब हम क्रोमा पे आए थे तो यहाँ पे थी इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इसको आपने क्या कर देना है, हाई कर देना है, ताकि आपकी जो चीज़ें वो क्लियरली अच्छे तरीके से नज़र आए। ठीक है, अब देखें ये थोड़ा अच्छे तरीके से विजिबल हो रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ये वाली एडिटिंग कर सकते हैं और किसी भी तरह की जो है मॉकअप के अंदर अपनी वीडियो को यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह।